नमस्कार दर्शक मित्रों, अतिथि में फरी एक बार आपनो स्वागत है। अतिथि एटले वो कार्यक्रम के जे कार्यक्रम में विशिष्ट व्यक्तित्व ने आपनी साथे मुलाकात करावे छे अने तेमनी साथे वातो करीए छे। अंतर दर्शक मित्रों, भारत देश ज्यारे पण कदाच विदेशीओ ज्यारे पण भारत देश विशे जे लोको बहु जाणता नथी अथवा तो आजनी पेढ़ी जे विदेश में वसे छे, जे विदेशीओ छे, ते लोको ज्यारे पण भारत देश विशेनी वात करे छे त्यारे ते लोकोना मनमां साधु संत बाबाओ अने क्यांक चमत्कारिक लोको नी वातो अने एवी कल्पना आवती होय छे। भारत देश माटेनी आवी धारणाओ आवी संभावनाओ विदेश में जे लोको भारत देश ने ओळखता नथी ते लोको कदाच आवी धरावता होय छे। कदाच एक अंशे आ वात साची पण छे, कारण के भारत देश पासे पोतानी संस्कृतिनो वारसो एटलो बधो मजबूत छे, परंतु आज वस्तु थी भारत देशना लोको ज जाण छे। परंतु क्या सीनेरियो हवे बदलायो छे, जे प्रमाणे धीरे धीरे लोको स्ट्रेस माथी मुक्त थवा माटे अलग अलग मार्ग अपनावता थया छे, तेवी ज रीते तेनी साथे साथे घणा बधा एवा ज्ञानीओ के जे लोकोए लोको सुधी एक ज्ञान पहोंचाडवानुं पण कार्य कर्युं छे। बिल्कुल आवाज एक विशिष्ट व्यक्ति तो अत्यारे अमारी साथे छे अतिथि कार्यक्रम में, कही शकाय के ध्यान गुरु स्वामी राम कृपाल जी के जे लोकोए आखी एक अलग पोतानी एक अलग आखी एक कही शकाय के थेरेपी बनावी छे, एक अलग सिस्टम छे जेनाथी लोको क्यांक चिंता मुक्त थाय छे अने साथे साथे लोको मां ज पड़ेली शक्ति ने बहार लावानुं कार्य कर्युं छे। राम कृपाल जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो पूछना चाहूँगा कि हिंदुस्तान कि खुद की पहचान, धर्म संस्कृति उसकी खुद की पहचान थी, एक आईपीएस ऑफिसर को इस संस्कृति की पहचान दिलाने के लिए भारत देश के हर एक कोने में घूमना क्या एक दारुण अवस्था नहीं है भारत देश की? भारत के पास एक बड़ी अनूठी संपदा थी, बड़ी अद्भुत संपदा थी। वो धर्म की संपदा थी, वो अध्यात्म की संपदा थी, वो जीवन की संपदा थी। और इसी अद्भुत संपदा के कारण हिंदुस्तान सारी दुनिया में जगत गुरु के रूप में जाना गया। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है। जो हमारी संपदा थी हम उसी को भूल गए हैं और आज हम दुनिया में अपनी पहचान खोते जा रहे हैं, हम दूसरों की अंधी नकल कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि सारी दुनिया को और सबसे पहले हिंदुस्तान के लोगों को हम अपनी विरासत की याद दिला दें, उस संपदा की याद दिला दें जिसके कारण भारत को दुनिया का सिरमौर होने का गौरव मिला था। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि वह गौरव सिर्फ एक बात का था, जो सबसे बड़ा अनुदान, सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा उपहार हिंदुस्तान ने दुनिया को दिया था, वो धर्म का नहीं था। धर्म तो दुनिया में हर जगह पैदा हुआ, वो परमात्मा की बात बताने का उपहार नहीं था। परमात्मा की धारणा तो दुनिया में जगह जगह पैदा हो, वो उपहार था कि कैसे जीवन में परमात्मा को प्रकट किया जा सकता है, इसकी परम वैज्ञानिक विधि दी थी। लेकिन इस वैज्ञानिक जैसे बताया कि हमारा ही माल जब अच्छे पैकिंग होके आता है हिंदुस्तान में उनको एक्सेप्ट कर लेते, यही रजनीश जी जब योग गुरु कुछ अपने अध्यात्म को बाजू में रख के कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन की बात लेके गए थे, अमेरिकन जो भी थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया,
वहीं से जब चीज़ वापस आई तो हिंदुस्तान के ही लोग जाके उनके साथ जुड़ने गए। क्या आपको लगता है कि हमारी खुद की जो चीज़ है जब तक बाहर का लेबल सर्टिफाइड बाहर से नहीं होता है तब तक एक्सेप्टेंसी नहीं मिलती है? अदरवाइज राम कृपाल जी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सब कार्य करते, लेकिन हाँ किसी बड़े लोग ने या तो कहीं बाहर से किसी ने सर्टिफाइड कर दिया राम कृपाल जी के इस कार्य से मुझे बहुत फायदा हुआ, तब जाके राम कृपाल जी इतने पॉपुलर होते या तो इतने फॉलोअर जुड़ते। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसे हम दूसरे ढंग से देखना चाहेंगे जी। जो भी चीज हम यहाँ कहते हैं उसको यहाँ सुनने वाले लोग नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ की परंपरा रही है कि ये तो धार्मिक लोग हैं, ये तो आध्यात्मिक लोग हैं। हिंदुस्तान का आदमी ये समझता है कि ध्यान तो हम जानते ही हैं, धर्म तो हम जानते ही हैं, अध्यात्म ये हमें क्या सिखाएंगे, ये नया क्या सिखाएंगे, ये हमें नया क्या सिखाएंगे। हमने रामचरितमानस पढ़ रखा है, हमने गीता पढ़ रखी है, हमारे बाबा पढ़ा करते थे, हमारे पिताजी पढ़ा करते थे, हम मंदिर जाते हैं, हम गुरुद्वारे जाते हैं, हम मस्जिद जाते हैं। हमारे अंदर ये धारणा पैदा हो गई है कि हम तो धार्मिक हैं ही। एक जो झूठी धारणा हमारे भीतर धार्मिक और आध्यात्मिक होने की पैदा हो गई है, जबकि हम वास्तव में हैं नहीं। वी आर सूडो रिलीजियस, नकली धार्मिक हैं, झूठे धार्मिक हैं, थोथे धार्मिक हैं। बाहर का आदमी हमारी बात को गंभीरता से सुनने और समझने की चेष्टा करता है, वो वैज्ञानिक चित्त का व्यक्ति है, वो संदेह से शुरू करता है, और जब संदेह से शुरू करता है समझने की चेष्टा करता है। रामकृपाल जी, यहाँ मैं रुकूंगा। कहीं कहीं गलती लगती है आपको कि इससे पहले भी हमारे हिंदुस्तान में जो ज्ञान बांटने वाले लोग थे, चाहे वो स्वामी जी हो या अलग अलग नाम से अगर लोगों के पास गए हो, उन्होंने कहीं ऐसी गलती कर दी है ताकि लोगों को जो हिंदुस्तान की संस्कृति का कलर था भगवा, कहीं उससे भी दूर जाते रहे किसी की गलती की वजह से? आपका पहला प्रश्न अभी उत्तरित नहीं हुआ, फिर भी आपने दूसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण पूछा है, इसलिए मैं दूसरे प्रश्न को पहले लेता हूँ। इस संबंध में मैं इतना कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष में धर्म का संदेश देने वाले लोग जो पीले वस्त्रों में, गेरुआ वस्त्रों में जगह जगह पर साधु संत महात्मा बनकर खड़े हुए, उनके साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये हुआ कि उन्होंने धर्म को शब्दों तक सीमित कर दिया, उन्होंने गीता को कंठस्थ कर लिया और आत्मा और परमात्मा का उपदेश देने लगे, उन्होंने रामचरितमानस को कंठस्थ कर लिया और राम की कथा कहने लगे, और उनको इस देश में सबसे बड़ा धार्मिक माना जाने लगा। जबकि राम की कथा कहने से और कंठस्थ भगवत गीता को उगल देने से कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं होता। धर्म तो जब तक जीवन को रूपांतरित न कर दे, जब तक जीवन में परम शांति और परम आनंद का अवतरण न हो जाए, जब तक जिंदगी में 24 घंटे आनंद की तरंग न फैल जाए, तब तक व्यक्ति धार्मिक हो गया या धर्म के अनुभव से गुजर गया ऐसा माना ही नहीं जा सकता। क्योंकि परमात्मा कोई दाढ़ी मूछ वाला व्यक्ति नहीं है सातवें आसमान पर बैठा हुआ, जो आपके गिड़गिड़ाने से, आरती उतारने से या कथा कहने से खुश हो जाएगा और कहेगा जो चाहो वो वरदान मांग लो। इस भारतवर्ष के अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने जो सबसे बड़ा सत्य उद्घाटित किया वह यह है कि परमात्मा कोई व्यक्तिवाची अस्तित्व नहीं है, वह परम शांति और परम आनंद के रूप में ही मनुष्य के जीवन में प्रकट होता है। यहाँ मैं रुकूंगा, बात चालू रहेगी, लेकिन वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। दर्शक मित्रों, घनी बधी बातों करिए छे, परंतु समय थयो छे कि विराम लो। दर्शक मित्रों, विराम बाद फरी एक और स्वागत है अपनू कार्यक्रम अतिथिमा। स्वामी जी, ब्रेक से पहले आपने बताया कि सिर्फ भगवान की बातें करने से, गीता की बातें करने से, रामायण की बातें करने से
इससे कभी उद्धार नहीं होता। या तो वो धर्म नहीं है, धर्म तो वो है जो जीवन में 2400 घंटा आनंद मिलता रहे। बात यहाँ ये आपको पूछनी है कि साइंस डिवाइन एक अलग कॉम्बिनेशन आपने दिया है, आपने एक अपना खुद का विचार, क्योंकि बरसों से ये लड़ाई चलती आती है धर्म और विज्ञान के बीच में, इन दोनों को जोड़ने का आपने काम किया है, क्या है आपकी मोमेंट, साइंस डिवाइन मोमेंट जो आप बता रहे हो, बेसिक शॉर्ट में बताइए कि क्या है वो मोमेंट। साइंस डिवाइन मोमेंट के बारे में बताऊं, इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं कि धर्म और अध्यात्म में विरोध की बात बिल्कुल गलत है, ये नासमझ लोगों की बात है। मैं विज्ञान और धर्म की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट धर्म और अध्यात्मिक, नो, विज्ञान और धर्म दोनों कभी भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया है एक दूसरे का, और आपने साइंस डिवाइन, मैं उसी बात पे आ रहा था। धर्म और विज्ञान के संबंध में जब हम बात करते हैं तो धर्म और विज्ञान कभी एक दूसरे के विरोधी रहे नहीं, लेकिन धर्म की गलत अवधारणा के कारण, धर्म की गलत समझ के कारण धर्म को विज्ञान का विरोधी मान लिया गया, क्योंकि पहले धर्म की बात समझाई जाए लोगों को, इसके पहले कि लोग धर्म को समझ सकें, धार्मिक लोगों ने कहा कि जो कहा जा रहा है उसको जैसे कहा जा रहा है उसको वैसे मान लिया जाए, यानी उन्होंने कहा कि मान लेना और विश्वास कर लेना ये धर्म का प्राण है, जबकि विज्ञान का आधार है संदेह। जब तक हम संदेह से नहीं शुरू करेंगे तब तक हम सत्य पर, निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। मेरा मानना है कि जो धार्मिकता सिर्फ मान लेने के आधार पर शुरू होती है वो नकली होती है, वो धर्म का सिर्फ पाखंड होता है, असली नहीं होती है सच्ची धार। इसीलिए पृथ्वी पर सच्ची धार्मिकता का अभाव है, क्योंकि भगवान है ये आपने मान लिया। अभी हमने 10 लोगों से पूछा, उनसे पूछा कि आप क्या भगवान है, उन्होंने कहा हाँ है। हमने पूछा आत्मा है, उन्होंने कहा हाँ गुरुदेव आत्मा है। सबने कहा हाँ गुरुदेव आत्मा है, परमात्मा। हमने कहा कैसे जाना तुमने कि आत्मा है परमात्मा है, आप बताएं। उन्होंने कहा होगा जरूर, क्योंकि मेरे पिताजी कहते हैं, मेरे गुरु लोग कहते हैं, सारे साधु महात्मा कहते हैं, गीता में लिखा है। सिर्फ चीजें लिखी हैं इसलिए हमने मान लिया है, इसलिए हम भगवान को मान लेते हैं। इस तरह का मान लेना अध कचरा मान लेना है, ऊपर से श्रद्धा, भीतर से संदेह, भीतर संदेह बाहर श्रद्धा। तो ये इसीलिए धर्म का पाखंड फैला हुआ है, धार्मिकता नहीं है। धर्म को भी वैज्ञानिक होना पड़ेगा, धार्मिक होने के लिए साइंस डिवाइन की, साइंस डिवाइन पे सीधा आ जाए, आपकी जो मोमेंट है बेसिक क्या है वो। साइंस डिवाइन का पहला चरण है कि संदेह से शुरू करो, मानने से नहीं, जानने से धार्मिकता का अवतरण जीवन में हो सकता है। ओके बेसिक स्वामी जी, मैं बताऊं कि नॉर्मली धर्म की जब भी बात आती है, एक एज के बाद लोग सोचते हैं कि अभी ये वक्त है, अभी यहां से मुझे अभी धार्मिक, जैसे कि हम बताते हैं वानप्रस्थ आश्रम, तो एक सिस्टम बनाई हुई है। क्या आपने जिस तरह से अलग अलग क्रियाएं उसकी वजह से स्पिरिचुअल पावर भी बच्चों को देने की कोशिश की, कहीं आपको लगता है कि हमारी जो सिस्टम बनी हुई थी बरसों से वानप्रस्थ आश्रम, इस एज में लोगों को मंदिरों में जाना चाहिए, कहीं पूरा मन उनका भक्ति में लगाना चाहिए, एज डिफाइन जो की गई है, जो आश्रम बनाए गए थे हमारे, आपको लगता है कि उसी वजह से, क्योंकि युवावस्था में सिर्फ धनोपार्जित के लिए लोग अपना समय व्यय करते हैं, उसके साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज भी उनको लेना चाहिए, डू फील दैट? ये गलत धारणा है आप, और मेरी समझ से इसके बारे में पर्याप्त जानकारी लोगों को नहीं है। जब ये वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी उसका विज्ञान इस सत्य पर आधारित था कि शुरू के 25 सालों में बच्चे को
तैयार कर दिया जाता था, इतना अच्छी तरह तैयार कर दिया जाता था कि उसमें ध्यान की शक्ति, गृहस्थ जीवन को जीने की शक्ति और फिर अंतिम चरण में संन्यास की शक्ति इन 25 सालों में ही पैदा कर दी जाती थी। 25 सालों में जो काम कर दिया जाता था वह काम आज पूरी जिंदगी में नहीं हो पा रहा है। तो अगर जो वर्ण व्यवस्था आज से हजार हजार साल पहले पैदा की गई थी आज उसको मानकर हम चलेंगे तो देश का तो सत्यानाश होगा ही, हमारा भी सत्यानाश हो जाएगा। आज तो आदमी, हमने 100 साल की व्यवस्था बनाई थी, आज तो 25 साल होते होते आदमी के चेहरे पर बुढ़ापे की लकीरें आने लगती हैं। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि धर्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अंतिम चरण में एकाएक आ जाएगी। आप 70 साल की ज़िंदगी जैसी जिएंगे उसको छोड़कर 71वें साल में आप धार्मिक नहीं हो सकते हैं। जो 70 साल जो जीवन जिएंगे वही जीवन आपका आगे 25 सालों में विस्तृत होगा। अगर आप 100 साल जीते हैं तो नया जीवन एकाएक नहीं मिल सकता है। इसीलिए जो जीवन हमें चाहिए उसकी आधारशिला बचपन से ही रखी जाती है। बचपन में आपको ABCD याद करा दी गई थी, आपने कभी नहीं बोलते। काका गागा पढ़ा दिया गया था, आप कभी नहीं बोलते। हम चाहते हैं कि बचपन से ही बच्चों को ध्यान और प्रेम की दीक्षा दे दी जाए ताकि यह शांति और आनंद उसके जीवन का अभिन्न अंग बन जाए। महामेधा क्रिया बहुत ही इफेक्टिव, जिसके रिजल्ट भी आपको बहुत पॉजिटिव मिले हैं जी। क्या है वो महामेधा क्रिया? महामेधा क्रिया इस विज्ञान पर आधारित है कि मनुष्य के जीवन में एक ही ऊर्जा है, उसे चाहे हम परमात्मा की ऊर्जा कहें, चाहे उसे जीवन ऊर्जा कहें, चाहे उसे काम ऊर्जा कहें, वह ऊर्जा अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने अनुभव किया है कि वो मूलाधार चक्र में काम केंद्र पर स्थित रहती है। और वही ऊर्जा अगर बच्चे के परिपक्व होने के बाद काम केंद्र से नीचे की ओर प्रवाहित होती रहती है जिंदगी भर, तो भौतिकवाद को जन्म देती है, बच्चों को पैदा करती है और इस संसार में उलझे उलझे व्यक्ति समाप्त हो जाता है। उसको जीवन में अध्यात्म का, शांति का, आनंद का, सच्ची धार्मिकता का अनुभव नहीं हो सकता है। अगर वही ऊर्जा काम केंद्र से ऊपर के चक्रों पे, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र से होती हुई सहस्रार चक्र तक पहुंचने की व्यवस्था कर ली जाए तो जिंदगी में आनंद के फूल खिलने लगते हैं, जिंदगी का पूरा रूपांतरण होने लगता है। व्यक्ति वही नहीं रह जाता है जो कि आज है। व्यक्ति में एक एक व्यक्ति की संभावना है कि वो बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट की तरह शांति और आनंद का अनुभव कर सके। राम कृपाल जी, स्वामी जी, स्वामी जी यहाँ रोकूंगा। अगेन एक वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, दर्शक मित्रों समय थयो छे एक नानकड़ा विराम नो। विराम बाद फरी एक और स्वागत है आपनु कार्यक्रम अतिथिमा। बात करा आपने स्वामी राम कृपाल जी साथ। राम कृपाल जी, ब्रेक से पहले आपने बताया कि ये चीज होनी चाहिए, जैसे बचपन में ABCD सीखा है जीवन पर्यंत वो याद रहती है, लेकिन कहीं 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 तकलीफ ये है कि हमारे देश में जो भी स्पिरिचुअल गुरु है, जो भी जिनके पास ऐसा विशेष ज्ञान है, उनका एक बहुत आग्रह कहिए या दुराग्रह कहिए, उन लोगों का अपने शिष्यों को, अपने फॉलोअर का यही कहना है कि अगर आप मेरे पास आएंगे तभी आपको ये ज्ञान मिलेगा, बाकी किसी के और के पास से नहीं मिलेगा। स्पिरिचुअल जो भी मतलब पावर है एक ही है, कहने का तरीका अलग है, लेकिन कहीं अलग अलग गुरु जियों की, अलग अलग स्वामी जियों की, अपने अपने पंडाल की वजह से, शुरू में ही जब प्रोग्राम के शुरू में ही बताया कि हमारी भारत देश की जो ये ताकत थी कहीं बढ़ती जा रही है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक स्वामी जी, हर एक स्पिरिचुअल गुरु एक साथ आके
एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाए और इतने सारे करोड़ों लोगों का उद्धार कर दे। बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी है आपने। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता था कि सबसे पहले तो आवश्यकता है कि साधु संतों को पहचाना जाए। जिसने स्वयं उस सत्य का, शांति का, अध्यात्म का, धर्म का स्वाद नहीं लिया है, सिर्फ धर्म ग्रंथों को जुगाली करके धार्मिक बन गए हैं, वे धर्म के नाम पर लड़ेंगे ही, वो कुरान के नाम पर लड़ेंगे, वो गीता के नाम पर लड़ेंगे और वो आपस में ही अखाड़े बना लेंगे। और यही धर्म के साथ हो रहा है कि जिन्होंने धर्म का, अध्यात्म का स्वाद नहीं लिया है, जिन्होंने परम सत्य का, परम शांति का, परम आनंद का अनुभव नहीं किया है, वो ग्रंथों को पढ़कर ग्रंथों की जुगाली कर रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं कि हमारे संप्रदाय को ही मानो, दूसरे के पास मत जाओ। सच्चा धार्मिक कृष्ण कभी नहीं कहेंगे कि कबीर के पास ना जाओ, सदगुरु नानक कभी नहीं कहेंगे कि मोहम्मद के पास मत जाओ, लेकिन जिन्होंने नहीं जाना है, पंडित, पुरोहित, मुल्ला, मौलवी, पादरी ज़रूर कहेगा कि दूसरे के पास न जाओ, मेरे यहाँ ही रहो। स्पिरिचुअल पावर की बात है, स्पिरिचुअल पावर की बात है स्वामी जी। ये केवल धर्म के, धर्म का धंधा करने वाले लोग हैं जिनको आप साधु महात्मा कह रहे हैं, ये सिर्फ धर्म का धंधा करने वाले लोग हैं जिनके कारण धर्म का पतन हो रहा है, धर्म का नाश हो रहा है और बड़े पैमाने पर मनुष्यता तनाव और अशांति के का जीवन जी रही है। धर्म का उद्देश्य था कि मनुष्य को सुख शांति मिले, लेकिन धर्म आज आदमी को अशांति, तनाव, उपद्रव, युद्ध, लड़ाई, आतंकवाद, इन उपद्रवों में झोंक रहा है। तो ये धार्मिकता नहीं है, ये तथाकथित धार्मिकों को बेनकाब किए जाने की ज़रूरत है। इसको बेनकाब करने का तरीका है विवेक को जगाया जाए। विवेक को जगाने का आज तक पृथ्वी पर एक ही उपाय पैदा हुआ है, वो ध्यान है। और ध्यान को आधुनिक युग के मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप देने के लिए ही साई डिवाइन के माध्यम से मैंने संजीवनी क्रिया और महामेधा क्रिया को विकसित किया है। आज मनुष्य के पास इतना वक्त नहीं है कि वो पतंजलि के बताए हुए अष्टांग योग पर चल सके या भगवान महावीर के बताए हुए अंतर तप और बहिर तप की साधना कर सके। आदमी के पास 15 मिनट व आधे घंटे का समय नहीं है, उसको ज़रूरत है आज के युग के आवश्यकताओं के अनुरूप आध्यात्मिक साधनाओं की, जिससे कि उसके जीवन में परम शांति और परम आनंद के रूप में उस परम तत्व का अवतरण हो सके। आप मानते हैं कि आप मुझे बहुत स्पष्ट जवाब क्लियर, क्योंकि आप मुझे मालूम है कि स्पष्ट वक्ता है आप, क्या आप मानते हैं कि 7 दिन 15 दिन की ये जो शिविरें होती रहती है, इतने बड़े बड़े स्टेडियम में हजारों लोग बैठ के पतंजलि योग या तो अलग अलग योगासन सिखाए जाते, क्या ये वर्थ है? आप मानते हैं उसको कि ये योग्य है? लोग जाते या तो वहाँ पे जो सिखाया जाता है वो सही है, या तो जो सिखाते हैं वो किसी को भी काम में आने वाली चीज़ है? बहुत स्पष्ट जवाब आपसे मैं अपेक्षा, मैं बहुत स्पष्ट जवाब आपको देना चाहता हूँ कि आज योग के नाम पर जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जगह जगह योग धंधे का रूप ले चुका है, योग के नाम पर जगह जगह दुकानें चल रही हैं। और योग जो महर्षि पतंजलि ने संकल्पना की थी कि वह साउंड बॉडी, साउंड माइंड, सेल्फ रियलाइजेशन, यानी स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और आत्मबोध का माध्यम बने, वह यह न बनकर मात्र पीटी परेड बन गया है। एक योग आज केवल व्यायाम का साधन बनकर के रह गया है और इससे लोगों को लाभ कम, हानि ज़्यादा हो रही है। लोग टीवी पे देखकर योगा कर रहे हैं, लोग अध कचरे ज्ञान वाले लोगों के सहारे योग का अभ्यास कर रहे हैं और वो केवल पीटी परेड तक, यानी शारीरिक व्यायाम तक सीमित हो गया है योग। इसलिए योग की बड़ी दुर्दशा हो रही है। स्वामी जी, यहाँ मैं एक सवाल भी पूछना चाहूँगा। आपने जो अपनी संजीवनी क्रिया और महामेधा क्रिया है,
बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने फ़ायदा दिलवाया, इससे बहुत चमत्कारिक रिजल्ट भी मिले हैं, जैसा हम आपसे बैठे थे अलग लोगों से उससे भी बात हुई। स्वामी जी, कोई ऐसा प्रोग्राम है जो हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन को अच्छी राह पे ला सके? ऐसा अगर कोई प्रोग्राम बने, मेरे हिसाब से अगर जो भी खर्चा होगा हिंदुस्तान की एक एक जनता आपको शायद दे सकती है। वही प्रोग्राम लेकर के तो मैं सारी दुनिया के सामने आया हूँ। हिंदुस्तान के नहीं, सारी दुनिया के पॉलिटिशियंस एक जैसे हैं और सबको आवश्यकता है कि उनका आमूलचूल परिवर्तन हो, और उस आमूलचूल परिवर्तन के लिए ही मैंने आवाज़ उठानी शुरू की है कि बचपन से ही ध्यान और प्रेम की दीक्षा दी जाए, और जिनका बचपन बीत चुका है वो संजीवनी क्रिया के माध्यम से ध्यान का अभ्यास करें। ये संजीवनी क्रिया 30 मिनट की क्रिया है जो कोई भी आदमी अपने तन के लिए, अपने मन के लिए, अपने आत्मा के लिए अगर 30 मिनट नहीं दे सकता है तो उस व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है। ओके स्वामी जी, लास्ट में एक सवाल बहुत संक्षिप्त में मुझे आंसर चाहिए, वक्त बहुत कम है जी। भारत सरकार रात को 11 बजे से 4 बजे तक एडल्ट फिल्म और एडल्ट प्रोग्राम के बारे में कहीं ना कहीं ऐसा रूल कायदा लाने की बात कर रही है। अंबिका सोनी ने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या आप सहमत है, यस और नो? मैं समझा नहीं। एडल्ट प्रोग्राम जो होते, जो कि एडल्ट प्रोग्राम यानी जो बच्चे नहीं देखते, 18 साल से ऊपर वाले लोग देखते, ऐसे प्रोग्राम टेलीविजन पे रात को 11 बजे से 4 बजे तक दिखाना, उसका कोई एक रूल बनाने जा रहे, क्या आप उससे सहमत है, होना चाहिए? कोई भी प्रोग्राम दिखाया जाए या ना दिखाया जाए, यह जनता की मांग पर निर्भर करता है। जनता जिस चीज़ को मांगेगी उस चीज़ की आपूर्ति कहीं ना कहीं से होगी। अगर खुल्लम खुल्ला नहीं होगी तो चोरी छिपे होगी, यह एक बात है। इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता है। ब्लू फिल्म्स ओपनली नहीं देख सकते हैं, तो कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ छुप के ब्लू फिल्म नहीं देखी जाती है। ये सत्य है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं और गहरी बात कहना चाहता हूँ कि ब्लू फिल्म की आवश्यकता पैदा ही क्यों होती है चित्त में? ब्लू फिल्म दिखाए जाने की मांग होती ही क्यों जनता की ओर से? इसलिए कि चित्त रुग्ण है, चित्त बीमार है, और उस बीमार चित्त को स्वस्थ करने का उपाय है बचपन से ही महामेधा क्रिया के माध्यम से ध्यान और प्रेम की दीक्षा। मांग ही पैदा होना बंद हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच स्वामी जी। लास्ट में अंतिम सवाल, आपका जो भी अंदाज रहा पूरे आधे घंटे के शो में, आपका जो अंदाज है पूरा राजकुमार जैसा, आपका जो बोलने का अंदाज है, आपके फेवरेट अगर फिल्मी हीरो की बात करें तो कौन? अब आपने कह दिया राजकुमार। आपको मैं ज्योतिषी की संज्ञा देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक मित्रों, अति खास मुलाकात राम कृपाल जी जोड़े। फरी मणिशु नेक्स्ट एपिसोड में एक नवा अतिथि साथ है, त्यां सुधी रजा। आपसे नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।